धर्म स्नेही बंधुओं, घर मकान घर मकान नारी हाथी घोड़ा कुटुंब बंधुजन आज्ञाकारी यौवन ग्रह गोधन नारी है गए जन आज्ञाकारी। घर में क्या क्या है? यौवन है। अवस्था कौन सी है? यौवन की है। हाथ पांव चल रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है, आंखों से अच्छा दिख रहा है, कानों से सुन रहा है, पांव भाग भाग के जाते हैं, एक बार में एक सीढ़ी उछाल के चढ़ते हैं, सीढ़ी बदर सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। जवानी में कैसे चढ़ते हैं सीढ़ी? अरे बोलिए ना, एक बीच की छोड़ देते हैं और अगले पे पैर रखते हैं, ऐसे चढ़ते हो ना? हाँ। और बुढ़ापे में एक सीढ़ी में दो बार, और वो भी चढ़ जाए तो बड़ी बात है ना। तो यौवन अवस्था है, मकान है, नारी है, कैसी है? आज्ञाकारी है, जवाब नहीं देती है, जो कहो ठीक है जी, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगी। आपको कैसी नारी चाहिए? अरे बोलिए ना, देखो मुस्कुरा तो रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि पता है वैसी मिलनी नहीं है, और आजकल तो ढूंढने से नहीं मिलेगी। एक बात में पहले चार सुनाएगी, फिर बात करेगी, फिर तुम्हारी सुनेगी, है ना। तो नारी कैसी है? आज्ञाकारी है। बंधुजन कुटुंबी जन कैसे हैं? बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ा रिगार्ड करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। और क्या है घर में? हाथी है, घोड़ा है। अब ये हाथी और घोड़ा तो पहले होते थे, अब तो घर में 10 लाख की, 20 लाख की, 40 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की आज्ञाकारी गाड़ी है। कैसी है? जहाँ चाहोगे वहीं जाएगी, नहीं चाहोगे नहीं जाएगी। आज्ञाकारी ड्राइवर है, आज्ञाकारी गाड़ी है ना। लेकिन ये कब तक के लिए है? कब तक के लिए? स्थाई है? अरे बोलिए ना, स्थाई नहीं है। अच्छा, तो कब तक के लिए है? एक हाथ से सत्ता दूसरे हाथ में कैसे चली जाती है पता नहीं चलता है। कब बेटा बड़ा हो जाता है, कब बाप की दुकान संभाल लेता है, कब बाप को रिटायर कर देता है, कब सास की चाबी बहू के हाथ में आ जाती है, कब सास को एक कोने में बिठा दिया जाता है, धीरे धीरे करके सब बदल जाता है। जो आज तुम्हारे हाथ में है कल किसी और के हाथ में रहेगा। स्थाई यहाँ कुछ भी नहीं है, सब क्षण भंगुर है। इसलिए यौवन अवस्था में अभिमान मत करना कि जो आज तुम्हारे पास में है वो स्थाई है। नहीं, तुम्हारी सास का नहीं रहा तुम्हारा क्या रहेगा, उसकी सास का नहीं रहा तुम्हारा क्या रहेगा, यहाँ पीढ़ियाँ बदल गई, सब ऊपर चले गए, तुम्हारा क्या रहेगा? अरे बोलिए ना, इसलिए अभिमान मत करना, और अभिमान में दूसरों का अपमान मत करना, क्योंकि अभिमान का पहला काम है दूसरे का अपमान करवाना। और जब तक शरीर में ताकत रहती है तब तक अपमान करते हैं सामने वाले का। सामने वाला कमजोर है, बोल नहीं पाता है, अब पता है रोटी यही देगी इसलिए सुन लो, तो दो रोटी के साथ चार बातें सुना देते हो। अब भाग सकते नहीं, कहीं जा सकते नहीं, जवानी होती तो घर छोड़ के चले जाते,
कहीं और कमा के खा लेते, अब आ गया है बुढ़ापा, कोई और बुलाएगा नहीं, शरीर में ताकत नहीं है, कोई और खिलाएगा नहीं, तो तुम करते हो अपमान, वो सहन तो कर लेता है, लेकिन उसके अंदर से जो तुम्हारे प्रति भावनाएं निकलती हैं, वो भावनाएं शीघ्र ही तुम्हारे भविष्य को नष्ट कर देंगी। इसलिए बूढ़ों का अपमान मत करना। यदि दो रोटी खिलाते हो तो दो प्रेम के शब्द जरूर बोल लेना, ताकि वो तुम्हें आशीर्वाद दें, तुम्हें अच्छी तरह से अच्छी भावनाएं दें और तुम्हारे लिए दुआ करें। बूढ़ों का अपमान मत करना। और आजकल के बच्चों में तो हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। चलो हम बहू को समझाते हैं, वो समझ जाएगी, मगर आजकल के बच्चे, बहू को तो सत्ता बाद में मिली है, देर से मिली है, उसके बच्चे को सत्ता पहले मिल गई है। बच्चों से पूछो, बेटा गुस्सा करते? हाँ करते हैं। किसके ऊपर करते हो? मम्मी के ऊपर करते हैं। बस वही मिली जो तुम्हारी सेवा करती है, जो तुम्हारे मन पसंद खाना बना के देती है, जो तुम्हारे लिए मन पसंद कपड़े ला के देती है, बस वही मिली गुस्सा करने के लिए। और माँ बिचारी मोह मोह में सहन तो करती रहती है, मगर अंदर अंदर से दुखी रहती है कि इसको इतना गुस्सा आज यहाँ आता है, चल मैंने तो सहन कर लिया, कल शादी होगी, कल इसकी इसका गुस्सा कौन सहन करेगा। अरे बोलिए ना, नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ये तो कहीं और की बात है। ये जो अजमेर वाले बैठे हैं, रतलाम वाले बैठे हैं और दोसा वाले बैठे हैं, और उनकी बात नहीं है, ये तो कहीं और की बात है। और जो संस्कार बचपन में पड़ जाएंगे वो जिंदगी भर काम आएंगे। इसलिए बचपन से बच्चों में गुस्सा ना करने की आदत डालना, और उनकी इच्छा पूर्ति हो ऐसी आदत डालना कि इच्छा पूर्ति हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक, ऐसी ऐसे संस्कार डालना। ये मत कहना ये तो मानते ही नहीं है, ये तो लेके रहेगा, इसको तो देना ही पड़ेगा। अब तुमने यदि ऐसा कह दिया तो बच्चे को पता चल गया कि तुम तो अब दे के ही रहोगी। इसलिए तुम मत ये कहना, तुम तो ये कहना नहीं मेरा बेटा है ये तो मान जाता है, बेटे नहीं आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, तूने आज मांगा है, जो चीज आज मांगी वो आज तो बिल्कुल नहीं देंगे हम तुझे, क्योंकि आज हमने दे दी हम तो पूर्ति कर देंगे, तो सारी जिंदगी तू मेरे साथ थोड़ी बिताएगा, हम तेरे माँ बाप हैं, कल तुझे यहाँ से बाहर भी जाना है, परसों तुझे किसी और के साथ परिवार भी बसाना है। मैंने यदि गलत संस्कार डाल दिए तो आने वाले समय में यही तुम एक्सेप्ट, मतलब सबसे यही कहोगे, सबसे यही अपेक्षा रखोगे कि जैसे मेरी मम्मी पापा मेरी अपेक्षा पूरी करते थे वैसे तुम भी करो, और नहीं होगी तो लड़ाई झगड़ा करोगे। तो इसलिए बच्चों में ये आदत डालना कि जो चीज उन्हें तुरंत चाहिए वो बिल्कुल नहीं देना, बेटे अभी नहीं मिलेगी, बड़े रखी हो घर में अभी नहीं देंगे तुझे। थोड़ी देर रोएगा, एक दिन रोएगा, दो दिन रोएगा, वो देखेगा अच्छा ये तो देती नहीं है तो काय को रो फालतू में, और तूने पता है कि रोने से मिल जाती है क्या? बच्चों को पता चल जाए कि रोने से मिल जाती है तो वो भी क्या करते हैं, रो रो के दिखा देते हैं और तुम दे देते हो। तो क्या क्या बता रहे यहां बारे भावनाओं में, यौवन ग्रह गोधन नारी है गए जन आज्ञाकारी। है घोड़ा है, गए हाथी है, जन कुटुंबी जन है, हैं और कैसे हैं, आज्ञाकारी हैं। इंद्रिय भोग छिन थाई, ये सारे किस चीज के साधन हैं, इंद्रिय भोगों के साधन हैं। कितने समय तक हैं कोई गारंटी नहीं है, तुम्हारी चीनी कब छूट जाएगी, तुम्हारी आइसक्रीम कब छूट जाएगी, तुम्हारा फ्रिज का पानी कब छूट जाएगा, तुम्हारा पिज्जा बर्गर डॉक्टर कब मना कर देगा,
कोई गारंटी नहीं है कि कौन किस दिन शरीर में क्या वेदना हो और तुम्हें वो चीज छोड़नी पड़े। तो धर्म क्या कहता है, डॉक्टर छुड़ाए उसके पहले खुद को कंट्रोल में कर लेना, उसके पहले तुम खुद संयम रख लेना, तो डॉक्टर को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और शरीर को भुगतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंद्रिय भोग छिन्न थाई, ये क्षण भंगुर है। सुर धनु चपला चपलाई, सुर धनु, सुर इंद्र, धनु धनुष, इंद्र धनुष देखा है? अरे बोलिए ना, आपने इंद्र धनुष देखा है? अच्छा, कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। अच्छा, उसको पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ में आता है। अच्छा, कितनी देर के लिए रहता है? उसका कोई समय निश्चित है कि 1 घंटे रहेगा, 2 घंटे रहेगा, 3 घंटे रहेगा? ऐसे ही संसार के भोगों का, संसार के सुखों का कोई समय नहीं है। जाने कब नश जाए, ये नश्वर है। कैसे हैं ये भोग, कैसे हैं? नश्वर है। और क्या देने वाले हैं? बीमारी देने वाले हैं। क्या चाहिए, सुख चाहिए कि बीमारी चाहिए? अरे बोलिए ना, सुख चाहिए। तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यदि सुख चाहिए तो, और दुख चाहिए तो फिर जो लाइफ आजकल की चल रही है, भौतिकता की, सुविधाओं की, साधनों की, गाड़ी जाना मंदिर जाना, गाड़ी चाहिए। भाई थोड़ी दूर तो, आधे किलोमीटर तो है मंदिर, पैदल चली जाओ। नहीं नहीं, हम तो गाड़ी से जाते हैं, हम पैदल नहीं जाते। वो हमारी सहेली है ना, वो भी गाड़ी से आती है। अरे भाई थोड़ा शरीर को कष्ट दे लो, और कष्ट क्या, चलने से सुखी रहेगा? पहले के लोगों के ना घुटने खराब होते थे, ना कमर खराब होती थी, क्यों? पैदल चलते थे। 10 किलोमीटर भी जाना है तो पैदल जाना है, या बैलगाड़ी से जाना है। भाई कोई थोड़ा पैसे वाला होगा तो बैलगाड़ी से चला जाएगा, कम पैसे वाला होगा तो पैदल ही जाएगा। पहले 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तो यूं चले जाते थे, यूं 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 पहुंच जाते थे। और बच्चों को भी खूब चलाया जाता था, तो उससे क्या होता था? भाई गाड़ी चलेगी तो ऊर्जा पैदा करेगी, और गाड़ी खड़ी रहेगी तो बैटरी भी डाउन हो जाएगी। जितने गाड़ी वाले बैठे हैं समझ रहे हो क्या? गाड़ी चलेगी तो सही रहेगी, और यदि गाड़ी को तुमने खड़ी कर दिया और नहीं चलाई, खराब होएगी नहीं होएगी? बस उस गाड़ी में और इस गाड़ी में भी ज्यादा कोई अंतर नहीं है। यदि ये गाड़ी तुमने ज्यादा सुख दे दिया, खड़ी कर दी इसको, इसको एक्टिव नहीं रखा, इससे मेहनत नहीं करवाई, तो ये गाड़ी भी तुम्हारी जंग लग जाएगी। और फिर वो जंग कैसी, घुटने दर्द हो रहे हैं, कमर दर्द हो रहा है, अब नीचे नहीं बैठ पाते, अब मंदिर में जाते हैं तो कुर्सी पे बैठना पड़ता है, अब घर में सारे दिन खड़े खड़े काम करते हो, अब मंदिर आते हो 5 मिनट के लिए तो वो घुटने मुड़ते नहीं है, अब मंदिर में तुम 3 घंटे जमीन में बैठो और फिर घर में जाके काम करो तो ठीक रहेगा। 1.5 घंटा मंदिर में सुबह रहो और 1.5 घंटा शाम को रहो और जमीन में बैठो, देखो फिर कैसे घुटने खराब होते हैं। जरा सा दर्द हुआ, और आजकल तो बहुत सुविधा मंदिर में भी हो गई, स्टूल रखे रखाए मिल जाते हैं, दर्द हो ना हो, 2 जने यदि स्टूल पे बैठे हैं तो तीसरी कैसे नीचे बैठ सकती है, उसको भी स्टूल चाहिए। बोलिए हाँ या ना है? और बढ़िया वाले स्टूल, हाँ वो कैसे नीचे बैठ जाएगी, वो उनसे छोटी थोड़ी है। और भगवान के सामने जो नीचे ना बैठ पाए तो आपकी भक्ति कहाँ रही? भक्ति में तो आदमी साष्टांग प्रणाम करता है, तुम नीचे बैठने की बात कर रहे, पूरा लेट जाता है, पूरा समर्पित हो जाता है। जब तक साष्टांग प्रणाम ना हो तब तक भक्ति की पूर्णता नहीं होती। इसलिए दिन में 1 बार, पुरुषों को कम से कम 1 बार
एक वेदी में कम समय दी सब में कर सको तो अच्छी बात है, और नहीं तो जब तक जवानी है हाथ पैर अच्छे चल रहे हैं तुम लेट सकते हो, तो एक साष्टांग प्रणाम तो पुरुषों को रोज करना ही चाहिए, और उस साष्टांग प्रणाम के बाद में भाव देख लेना कि आपके कैसे होते हैं, कैसे निर्मल भाव होते हैं, कैसे समर्पण के भाव आते हैं, कैसे अंदर से उमड़ उमड़ के विनय आती है, आज आप कर लेना। अरे बोलिए ना, कर सकते हो क्या? बच्चे तो कर ही सकते हैं ना, बड़े भी भाई छोटी उम्र वाले बैठे हैं ना, तो एक साष्टांग प्रणाम पूरे लेट कर और पूरे हाथ आगे करके और पूरी भक्ति के साथ आज करके देखना, मेरे कहने से करके देखना। करोगे? कौन कौन करेगा? सब करेंगे। अच्छा, तो एक महीने तक कर सकते हो? एक महीने तक आप यहां से चले जाओगे तो ये बेस बढ़ाना इसका थोड़ा, एक महीने तक यहां से कुछ तो लेके जाओगे ना, कम से कम एक महीने तो आपके साथ वो चीज रहे, तो एक महीने तक कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है एक महीने तक? अच्छे से हाथ उठाकर बताओ। अब कुछ लोगों ने हाथ नीचे कर लिया, वो रोज मंदिर जाने वाले नहीं होंगे जिन्होंने हाथ नीचे किया। अब उठा उठा मैं देख रही हूं। एक महीने तक साष्टांग प्रणाम करना है। कैसे प्रणाम करना है? साष्टांग। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले, ठीक है? हाँ बता रही हूं, बता रही हूं। हाँ प्रारंभ हो गया साष्टांग प्रणाम, देखो प्रारंभ हो गया। चलिए अब महिलाओं को और बच्चों को कैसे करना चाहिए। महिलाओं को पंचांग प्रणाम बताया। शरीर में 8 अंग होते हैं, जब 8 अंग पूरे भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं तो इसके कहते हैं साष्टांग प्रणाम, ठीक है? और महिलाओं के लिए साष्टांग प्रणाम नहीं आया है, महिलाओं के लिए पंचांग प्रणाम आया है। बाएं घुटने पर दायां घुटना मोड़ के, है ना, जैसे गाय बैठती ना ऐसे, और फिर हाथ सिर जमीन को स्पर्श करे, इसको कहते हैं पंचांग प्रणाम। दो पांव, दो हाथ और एक सिर, ये जब पांचों चीज जमीन को स्पर्श करे और हमारा मन भगवान के चरणों में झुक जाए, तब आप देखना कि इस प्रणाम के बाद में आपके भाव कैसे होते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, एक परिवार आया, बच्चों को आगे खसकाया, जा पिछी लगवा ले, पिछी लगवा ले। अब बच्चे आए, दो बच्चे यूं खड़े हो गए, मैंने नहीं लगाई पिछी। उनकी मम्मी बोली हाँ जोड़, हाँ जोड़। कैसे? ऐसे नहीं क्या? ये इस बात का प्रतीक है कि आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया है, आप अपने घर में अपने बच्चों को क्या सिखाते हो, ये इस बात का प्रतीक है कि आप स्वयं नमस्कार करना नहीं जानते होंगे, तभी तो आपने बच्चों को भी नहीं सिखाया है कि कहां जाना है तो कैसे नमस्कार करना है। फिर भी मैंने पीछे नहीं लगाई, बोले झुक झुक झुक। अब उन्हें क्या पता ये झुकना होता क्या है, तुमने उन गर्दन पकड़ी और जबरदस्ती झुका दी। मैंने फिर भी नहीं लगाई, मैंने कहा आज देखती हूँ ये कहानी कहाँ तक पहुँचती है। फिर उनकी मम्मी बोली बैठ 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 के कर। बात समझ में आई कि नहीं आई है? मतलब बच्चों को यदि एक बार में वो जो मांग रहे हैं यदि आपने वो दे दिया तो उसके आगे की सीढ़ी वो नहीं चढ़ पाएंगे। जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तब तक उन्हें सिखाना है। तो महिलाएं पंचांग नमस्कार कर सकती हैं? अरे बोलिए ना, कौन कौन सी महिलाएं करेंगी? जितनी टीवी में देख रही हैं वो, बहुत बढ़िया भाई। जिनके बहुत घुटनों में गैप हो, दर्द हो,
कोई दिक्कत हो, ज़्यादा परेशानी हो, ऑपरेशन हुए हो, किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो, तो उनको छोड़ करके बाकी जिनके घुटने ठीक हैं और ठीक रखना चाहते हैं, दो बातें ठीक हैं, अरे बोलिए ना, और ठीक रखना चाहते हैं, वे भगवान को पंचांग और साष्टांग प्रणाम जरूर करें। प्रणाम करने से हजारों पाप कटते हैं। तुम्हारे नमस्कार में ताकत तो हो, तुम नमस्कार करते कहाँ हो? आप करके देखना नमस्कार, हजारों पाप कट जाएंगे नमस्कार करने से। फिर कहते हैं मंदिर भी जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, पूजा भी करते हैं तो कुछ नहीं होता, जैसे करना है वैसे किया कि नहीं? नहीं किया ना, तार तो जोड़ा नहीं, करंट कहाँ से आएगा? और ये तार जुड़ता है नमस्कार के बाद में। लेट गए, भगवान समर्पित हैं, आपके चरणों में समर्पित हो गए, अब आप जैसा कहो वैसा करेंगे। जब तक समर्पण की भावना नहीं आएगी तब तक आज्ञा पालन की भावना भी नहीं आएगी, और जब समर्पण की भावना आएगी तो आज्ञा पालन की भावना भी आएगी। इसलिए सबसे पहली शर्त है श्रद्धा, समर्पण, बिल्कुल साष्टांग प्रणाम। तो आज से तो आपने प्रारंभ कर ही दिया ना, अरे बोलिए ना, और अपने बच्चों को भी सिखाना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी, चाहे 2 साल का हो 4 साल का हो, जब तक ना करे, नहीं बेटा तुझे तो करना पड़ेगा, कर कर, उसे रोके करे मगर करवा देना, एक दिन रोएगा 2 दिन रोएगा फिर संस्कार पड़ जाएंगे, और फिर जो समर्पण आएगा वो उसके जिंदगी भर काम आएगा। रोना तो एक दिन का है मगर संस्कार सारी जिंदगी के लिए है, इसलिए बच्चों में संस्कार जरूर देना। बात तो चल रही थी 12 भावना की, है ना, लेकिन 12 भावना भी तभी पढ़ी जाएगी जब समर्पण होगा, जब श्रद्धा होगी, है ना। तो सूर्य धनु चपला चपलाई, चपला चपला जानते हो? चपला चपलाई, ये जो जब बारिश होती है तो बिजली कड़कती है कितनी देर के लिए, अरे बोलिए ना, कितनी देर के लिए, वो रोशनी कितनी देर के लिए है? भाई आपने दीपक जलाया तो आपको उस पता है कि ये रोशनी मेरे लिए है और ये दीपक में इतना तेल है तो इतनी देर मुझे रोशनी मिल जाएगी, है ना। आपके घर में लाइट है तो आपको भरोसा है चाहे तूफान भी आ जाए, लेकिन ये लाइट जब तक बाहर से कट नहीं होगी तब तक अंदर की लाइट नहीं जाएगी, उजाला मिलेगा। लेकिन जो आकाश में बिजली चमकती है वो कितनी देर के लिए है, अरे बोलिए ना, क्षणभंग। ऐसे ही संसार के सुख हैं, मृत्यु होने में कितना टाइम लगता है, अरे बोलिए ना, कितनी देर लगती, जितनी देर बिजली चमकने में लगती है ना इतनी देर शरीर से प्राण निकलने में लगते, इससे ज्यादा समय नहीं लगता, एक समय में निकल जाता है, एक समय, और तीसरे समय में तो दूसरे शरीर में पहुंच जाता है, ये भी नहीं पता चल पाता है, डॉक्टर हाथ भी नहीं रख पाता है कि उसको दूसरा शरीर मिल जाता है। इतना जो संसार का सुख है वो कैसा है, बोलिए ना, क्षण भंगुर है। कैसा है? क्षण भंगुर है। इसलिए भाई छतरी, बारिश हो रही है तो छतरी किस लिए है? बारिश से बचने के लिए है, है ना। अच्छा आपको यहां आना है तो गाड़ी किस लिए है? यहां आने के लिए है। भाई ठंड पड़ रही, गर्मी पड़ रही, मकान किस लिए है? प्रकृति से बचने के लिए है। वस्त्र किस लिए हैं? प्रकृति से बचने के लिए हैं। भोजन किस लिए है? जीवन चलाने के लिए है, है ना।
यानी ये सारी चीजें किस लिए हैं? उपयोग करने के लिए। दवाई किस लिए है? बीमारी को ठीक करने के लिए है। ये सारी चीजें उपयोग करने के लिए हैं, मोह करने के लिए नहीं है। अब बात यहां अटकती है। और कर क्या रहे हैं? उपयोग कम करते हैं और मोह ज्यादा करते हैं, इसीलिए दुख है। तो इन 12 भावनाओं के माध्यम से इन भोगों की क्षण भंगुरता जान करके इनसे दूर होना, इनसे रुचि कम करना, इनमें मन कम लगाना, ये 12 भावनाओं का फल है। तो मेरी बात समझ में आ गई आपके? अरे बोलिए ना। चलो फिर समाप्त करूं। इसका फल क्या बताया मैंने कि इन चीजों से रुचि कम रखना, उपयोग भी करना, मोह नहीं करना, ठीक है। लेने में प्रभु नाम का, सुबह के बाद शाम का, और भगवान के सामने साष्टांग और पंचांग प्रणाम का, देखने में दर्पण का, वस्तु के अर्पण का, और भगवान के समक्ष समर्पण का बड़ा ही महत्व है। पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और बूढ़ों का अपमान नहीं करने का बड़ा ही महत्व है। फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का, और करने में बूढ़ों की सेवा का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। बेस बढ़ाओ, बेस। और कहां से आए? गुना। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में गुना का बड़ा ही महत्व। कोटा, हमारे कोटा वाले विनोद जी भी बैठे हुए हैं, पारस चैनल के डायरेक्टर, जिनके माध्यम से आज आप पारस चैनल में इतने धर्म के प्रोग्राम और घर घर में धर्म की चर्चा सुनते हैं और लाभ लेते हैं, है ना। तो आप, मैं पारस चैनल के डायरेक्टर हैं, और आप लोगों ने मिलकर के एक जो पारस चैनल सबसे पहले खुला था, जैन चैनल में पहले पारस चैनल ही था, है ना, पहले और कोई चैनल नहीं था, पारस चैनल ही था। उस समय शुरू में बड़ी मेहनत करी है, शहर शहर में जाना, गांव गांव में जाना, वहां पर खुलवाना। केवल उस समय तो ये कम थी, केवल वाली छतरी ज़्यादा थी, तो वहां सेटअप बॉक्स लगवा के आना, ये कर बहुत मेहनत करी है, तब कहीं जाकर ये पारस चैनल आपके घर पहुंचा है। और आप लोगों ने सुबह से शाम तक खूब धर्म करो, खूब प्रवचन सुनो, खूब पंच कल्याणक देखो, खूब विधान देखो, है ना। और कितनी प्रभावना हो रही है ना। सुबह सुबह नल का, किसान में हल का, और देखने में पारस चैनल का। बंदर के लिए मदारी का, खेल में खिलाड़ी का, और आने वालों में पठारी का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का। कामा, पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और आने वालों में कामा का। होने में निडर का, नहीं करने में फिकर का, और आने वालों में भिंडर का। खेत में खाद का। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, हाँ समझ गई समझ गई। खेत में खाद का,
भोजन में सलाद का और आने वालों में मुरादाबाद का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का और ललितपुर का, गुड़गांव, नदी में नाव का, मनुष्यों के अच्छे अच्छे भाव का और आने वालों में गुड़गांव का, गंज बासोदा बासोदा, व्यापारियों में सौदा का, घर में दादा का और आने वालों में बासोदा का, बड़ा ही महत्व है। डीपू, घर में पप्पू का, नाव में चप्पू का और आने वालों में डीपू का, बड़ा ही महत्व है। बनारस से आए हैं, अच्छा, पक्षियों में सारस का, पक्षियों में सारस का, प्रभु के दर्श का और आने वालों में बनारस का, बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोक नगर का, बड़ा ही महत्व है। धैर्यवत, होने में गदगद का, मंत्रों में बदवद का और आने वालों में धैर्यवत का, बड़ा ही महत्व है। बंडा, गांव में कंडा का, शिखर में झंडा का और आने वालों में बंडा का, बड़ा ही महत्व है। अच्छा, नेता में दौरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में बागी दौरा का, बड़ा ही महत्व है। प्रताप नगर, बातों में अगर मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में प्रताप नगर का, बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का और आज होने वाले विधान का, बड़ा ही महत्व है। अब तो तुम सबका पूछ रहे हो, अपनी दादी का भी, और बड़ौदिया से आए हो, अच्छा। दिवाली में दिया का, दिवाली में राम की सिया का और आने वालों में बड़ौदिया का, बड़ा ही महत्व है। जालौर, झाड़ौल, अच्छा, झाड़ौल, लाइट के पोल का, धरती में गोल का और आने वालों में झाड़ौल का, बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। चलिए सभी लोग बैठे रहिए 2 मिनट के लिए।